नमस्कार, मैं हूँ हिताशा और आज हम मौजूद हैं वर्ल्ड फूड इंडिया में, जो कि हो रहा है भारत मंडपम में। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। वेलकम टू वर्ल्ड फूड इंडिया सर, आपने प्रोडक्ट रेंज के बारे में कुछ बताएं। हम लोग के प्रोडक्ट रेंज में देखिए मसाले हैं, अचार हैं, इसके अलावा इंस्टेंट मिक्सेस हैं, धूप बत्ती हैं। अभी हम लोग के जो लेटेस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोटीन रिच आइटम में, जो कि आज की तारीख में वेट मैनेजमेंट करने के लिए या डायबिटीज़ के लिए होता है, या लोग हेल्दी लोग जो फूड्स खाना चाहते हैं उनके लिए है। हम लोग इंस्टेंट मिक्स में जा रहे हैं, रेडी टू कुक आइटम में जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रेवी मिक्सेस आए हैं। और इसके अलावा जो मेजरली मार्केट आज की तारीख में जो यूथ की डिमांड है वो इस तरह के फूड की है, जो फास्ट फूड्स भी की तरह हैं और हेल्दी भी हो, उस तरह के फूड्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें अपना सोया चाप हो गया, कबाब्स हो गए, और इस तरह के टिक्कीज़ वगैरह हो गए, रेडी टू ईट टिक्कीज़, इस सब में भी काम कर रहे हैं हम लोग। सर, आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड फूड इंडिया में इस बार? वर्ल्ड फूड बढ़िया रहा है, यहाँ पे जिस तरह से डेलीकेट्स आने चाहिए वैसे तो थोड़ा कम दिखे हैं, बट ठीक है, कस्टमर का अच्छा आना हुआ है और बायर्स भी यहाँ पे आए हैं, इंक्वायरीज काफ़ी अच्छी जनरेट हुई हैं यहाँ पे जी। सर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एक्सपेंशन के? फ्यूचर प्लान एक्सपेंशन के हम लोग के ये हैं कि देखिए, जो मार्केट्स हैं हम लोग मेजरली सब कैटेगरीज़ में, जो हम लोग जिन कैटेगरीज़ में, इनमें हम लोग को अच्छी टॉप पोजीशन में आने का पूरा कोशिश रहती है हम लोगों की। और इसके लिए देखिए क्या है, क्वालिटी सबसे बड़ी है जी। तो क्वालिटी पे हम लोगों की मेन फोकस रहता है कि जो हम लोग अपने स्पाइसेस में क्वालिटी देते हैं वो टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है जी। क्वालिटी, पैकेजिंग एंड सर्विस, ये तीनों चीज़ों से ही आप आगे बढ़ सकते हो, उसी पर हम लोग का कंसंट्रेशन है।